चलता है यार ये अभी मजा आएगा ना अब ठीक है ये यार देखो आ ओके कौन है ये लोग कहां से आते हैं ये तो फ्रेंड्स दिस इज मी अब्दुल्ला शफकात और आज कुछ सीन ऐसा है कि ना जफर साहब मैं और उनके खालू हैं तो हम जा रहे हैं कादराबाद बैराज पे उधर जाएंगे उधर कोई फिश वगैरह खाएंगे कोई हल्ला गुल्ला करते हैं चलिए आइए अब जफर साहब आ रहे हैं मुझे लेने देखते हैं किधर हैं आ चुके हैं मुझे लेने और अभी हम निकलने लगे हैं इधर से उधर जाएंगे फिर कोई हल्ला गुल्ला करेंगे चलिए आइए चलते हैं फिर चलें सर जी आ जाएँ चलो जी आज दुकानें भी ज़्यादातर साड़ी बंद ही हैं हड़ताल की वजह से अभी सर अंदर गए हैं सर पैसे निकलवा रहे हैं इधर से मैं इधर बाहर खड़ा हूँ गर्मी बहुत है यार सर ऊपर से मेरे बाल नहीं ठीक हो रहे बार बार सेट करने पड़ते हैं चले अभी सर पैसे निकलवा रहे हैं फिर सर के खालू को लेने जाना है सर के खालू को लेते हैं फिर सीधा निकलते हैं बैराज की तरफ जफर साहब के खालू को पिक करने आए हैं अभी वो आ रहे हैं आ जाते हैं फिर हम अपनी मंजिल की तरफ बैराज पे चलते हैं क्या हाल है ठीक है जी सारे ठीक ठाक चले हम चलते हैं ये दरिया है आप सब जैसा कि देख सकते हैं और ये दरिया बड़ा खूबसूरत दरिया है और कुछ सरफेस दरिया की एलजी ने कवर की हुई है और बाकी उस साइड पे घास वगैरह है और इससे ये निशानदेही हो रही है कि हम बैराज के काफ़ी करीब आ चुके हैं चलिए देखते हैं आगे कि क्या हिसाब है क्या ये क्या है ये क्या है इसका काम क्या है इसका फायदा क्या है क्या करते हैं खाने के लिए इस्तेमाल होती है या किस काम के लिए खाने के लिए सब्जी के तौर पे तो ये आप लोगों ने उतारे कहाँ से उधर से कैद कर किस में रखते हैं नेटल गए हुए हैं फिश पकड़ने के लिए उधर से कहीं से उतार के लाए हैं वो और ये लगाया हुआ कह रहे हैं शायद बच्चे फिश के वो ला के डाले हुए फिश फार्म बनाया हुआ है फिश फार्म टाइप बनाया है अच्छा ये लास्ट टाइम भी हम आए थे ना तो ये जो बच्चे ने हाथ में पकड़ी हुई ये चीज अंदर से निकाल के खाती है ये अब जायका कैसा है इसका जायका कैसा है इसका चेक कर लेना जायका सही है यार लीची है बड़े मजे की है चेक करो कितने की है ये मीठी है बड़े मजे की है 1 रुपए की है हाँ जी फार्म बनाए हुए हैं और इधर फिशेज रखते हैं ला के फिर वो शायद बड़ी होती हैं बाद में और ये ड्रम के ऊपर जालियाँ रखी हुई हैं तो अभी हम देखने लगे हैं कि क्या सीन है इसका क्या चीज़ है ये तो देखते हैं फिर चलते हैं क्या हिसाब है इसका हाँ जी मीठी है बड़ी क्या कह रहा था क्या नाम है इसका पता नहीं नाम क्या नाम क्या है इसका कलाली ये इसमें ये सामने कलाली उधर से आती है ये सामने तोड़ के लेके आते हैं ये पानी में होती है तोड़ के लाते हैं ये जी पानी में होती है और वो सामने यही लगी है हम नीचे चलते हैं देखते हैं क्या इसका टेस्ट ना किसी चीज से मिलता है ये लेनी मीठी मीठी सी मीठी है यार ओ यार कुछ नहीं होता हटो यार अब्दुल्ला पीछे रहो अच्छा आ जाओ अब्दुल्ला यार कुछ नहीं आ जाओ यार ये फार्म है ये वैसे जाली बड़ी मजबूत है डबल जाली लगी हुई है
हाँ जी ढेर सारा गहरा हो गया आगे ये जाली है आ गए सर। हम रस्ते में ना ये देख रहे हैं ये बिराज पे बिराज से पीछे ही है 5-7 किलोमीटर पीछे हैं तो यहाँ पे पता नहीं आपको नजर आ रही हैं या नहीं तो वो देखें हमने अपना बाइक पार्क ये आपको नजर आ रही होंगी तो ये है तेरा प्यारा स्वामी ने बनाया हुआ है बच्चा है ये बिल्कुल बच्चे हैं छोटे छोटे देखे अब पता नहीं सही नजर आ रहे हैं कैमरे में या नहीं पर बड़ा प्यारा सीन है मुझे तो नहीं लगता नजर आ रहे होंगे ये आगे है ये इधर बड़ी है थोड़ी उससे ये थोड़ी बड़ी हो गई है और यहाँ पे ये काफी बड़ी है ये इसकी खुराक है ये देखें ये देखें ये खुराक डालते हैं और ये खाती हैं और इससे ये पलती हैं ये बड़ी हो चुकी हैं और वो अभी बच्चे हैं वो भी अभी ऐसे हो जाएंगे आगे बाहर तक जा सके हाँ जी और पानी भी ये देखें ये नेचुरल वाटर है ये और पानी को यहाँ से फ्लो कर सकता है फ्लो हो रही है क्रॉसिंग हो रही है पानी की कोई टच नहीं फ्रेश वाटर है और ये इधर हम रुके हुए हैं आपको जैसे नजर आ रहा होगा बड़ी प्यारी जगह है गैस है ठीक है इधर ये फिशेज ये पालते हैं और उसे ना वो फीड डालते रहते हैं और वो बड़ी होती रहती हैं ये ऑक्सीजन इनको जा रही है उनके फिशेज को भी जरूरत होती है थोड़ी बहुत ठीक है इधर का छोटा सा बच्चा बैठा हुआ नीचे गिर गया हाँ नीचे गिर गया ऊपर से कभी देखे कभी बोल के अब डर रहे हमसे चले फिर अब हम भी चलते ही हैं तंग नहीं करते ज़्यादा अब आगे चले बैराज की तरफ चलते हैं फिर इधर से बैराज का एरिया शुरू हो रहा है और अभी हम इधर रुके हैं थोड़ी देर के लिए और अभी फिर आगे चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं साथ साथ और ये बैराज का एरिया स्टार्ट हो चुका है ये दरिया चनाब है जो गुजर रहा है और कालाबाद बैराज है और इस साइड पे ये पानी कंट्रोल करते हैं मतलब तो इससे जब ये खोलते हैं हल्के हल्के तो उस साइड पे पानी रिलीज होता जाता है और अभी काफ़ी पानी है हाई है लेवल सर जी अच्छा खासा अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं मछली खाने के लिए अभी मछली का ऑर्डर वगैरह देखते हैं इधर हम मछली खाने आए हैं ये काफ़ी बंदे बैठे हुए हैं चलते हैं ऑर्डर वगैरह भी देते हैं देखें इधर ग्रिल फिश लग रही है ठीक है तो फिश वगैरह कर लेते हैं ये देखें इन्होंने फ्रीज की हुई है सारी फिशेज ये अच्छा इनका क्या रेट है ये है कौन सी ये मलिया है अच्छा मलिया मलिया है ये भी मलिया है और ये 1 kg कर दें हां जी 1 kg कर दें और ग्रिल करनी है ठीक है हमने जैसे ही ऑर्डर दिया तो 15-20 मिनट बाद ऑर्डर रेडी होके आ गया तो हमने टेस्ट किया हमने कहा यार ग्रिल का ऐसा टेस्ट होता नहीं है तो भाई कह रहे हैं फ्राई हमने कहा वही ना तो ग्रिल फिश ठीक होती है तो अभी हमने ऑर्डर दे दिया अभी इधर बैठते हैं ये सर जी क्या सीन है ये क्या है ये इधर मस्जिद है कोई ये मस्जिद है ना ये पीछे मछली मंडी है सर अच्छा ठीक है ये मछली मंडी है ये मस्जिद ग्रीन शेड नजर आ रहा है ये सारा ठीक है अल्लाह जी एक बात है बालरों ने ना ये तो इंडिया की ये होगा ना कि वो ओवरकम कर देंगे और ओवरकम भी हुए तो इसमें पाकिस्तान को इतना नुकसान नहीं होगा क्योंकि उनका रन रेट पहले ही स्लो है देखे ना 51 स्कोर है और 14 ओवर हो चुके हैं और 3 आउट भी हो चुके हैं सही पर जो कोहली को आउट किया उन्होंने वो इतना डरा हुआ था ना ऐसे लग रहा था कि पता ही वो बॉल होने से पहले ही होगा उसकी टांग ऑलरेडी कांप रही है ये तो नहीं पता मैच का ओवरऑल क्या रिजल्ट निकलता है लेकिन मुझे पहले ही थोड़ा थोड़ा फील हो रहा था कि कोहली और ये रोहित शर्मा से डरे हुए हैं सॉरी थी पाकिस्तान की और इंडिया तो उसमें कह रहे थे कि आपके जो खिलाड़ी हैं वो हमारे पास नहीं है अच्छा दो तीन होते थे एक जो आप बता रहे थे कि हम जाते उसको भी सिटी में मैच देखने उससे ये देखो ये सारा एनवायरनमेंट उससे भी कहीं बेहतर है मैच देखने जाते उधर 7-8 घंटे का मैच वो और था इधर फिर बंदा 7 शुगर मेला मछली वगैरह खाए ये भी देखे और मैच भी देख रहे हैं
ग्रिल फिश का जो हमने ऑर्डर वो हमने दे दिया। और ये जो हम एंजॉय कर रहे हैं ये उसके ऊपर है जी, वो जो एंजॉय उधर हमने बताते हैं वो जो पाम देखे हैं या फिर अभी हम बैराज वगैरह पे जाएंगे ये और अच्छा जी रोहित को भी इसने ही आउट किया ना, बोल्ड किया वो भी तैयार करवाई है। तो जफर साहब पहले आए हैं, इन्होंने कहा जी बड़ा टेस्ट है ये हमें लेके आए आज जो है ना, हम टेस्टिंग के लिए जो है वो इसका टेस्ट चेक करना है कि कैसी है, तो मजीद खा के आपको बताते हैं कि वाकई टेस्ट है या नहीं है, फिर आपको फाइनल रिव्यू देते हैं। नहीं हमें, मुझे तो आइडिया है, हम तो लास्ट टाइम आए थे तो टेस्ट चेक किया, तो इसलिए मैं तो इनको दोबारा लेके आया। तो ख़ास तौर पे इनका रायता और ये सिटिंग सारा कुछ आउट क्लास है। स्टार्ट करते हैं, देख स्टार्ट करते हैं, चेक करके बताते हैं आपको भी कि वाकई कैसे है। हाँ शुरू करें आप, शुरू करें करें आउट क्लास, आप कह रहे हैं ना जबर साहब आउट क्लास है, अब हम देखते हैं बताते हैं आपको उनका टेस्ट है। तो पंजाबी में कहते हैं पहले पेट पूजा तो फिर काम दूजा। चलो हूँ अब चलते हैं हम बैराज की तरफ, आपको बैराज दिखाते हैं। तो टेस्ट कैसा लगा जी, आप लोग बताओ ना। मैं नहीं, वाकई हमें तो लगा, मैंने आप लोगों को पहले बताया आउट क्लास, आउट क्लास मजा आया, टेस्ट फूड भी आउट क्लास, तो अच्छा आपको फील भी है, आपका एनवायरमेंट भी आउट क्लास है, ऐसे ही आपको अच्छा फील होगा। नहीं, मैं फील कर रहा हूँ यहाँ का एनवायरमेंट दरख्त की वजह से, और हवा चल रही है और हमें बिल्कुल पसीना नहीं आया हुआ, देखने कोई पंखा नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरा ख्याल अगर हम यहाँ पे सर्दियों में आते हैं ना, तो लाइक हम दिसंबर में भी अगर आए हैं ना, फुल ठंड है, तो यहाँ क्या हम बहुत एंजॉय करेंगे, ऐसे ठंड होगी यहाँ पे बैठे हुए बहुत एंजॉय करेंगे, ऐसे सेकंड टाइम अंदाज है इंशाल्लाह, तो हफ्ता तक यहाँ पे बंदा बैठे उसके बाद बंदा यहाँ से नवंबर दिसंबर में चले। तो मजीद बातें आपको चले, अब आगे उसके बाद डिस्कस होती रहे, पहले देखा भी होगा लेकिन हमारे साथ देखें आपको तो यार हम इधर से ना ये गुजर रहे थे और ये झोपड़ियाँ में नज़र आ गई, तो ये देख के याद आ गया कि अल्लाह ताला ने हमें इतना दिया हुआ है और हम फिर भी ना शुक्र बन रहते हैं। तो ये पता नहीं कैसे गुजर बसर करते होंगे, गर्मी है रात को मच्छर, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें और जिस हाल में वो रखे खुश रहा करें। तो ये आप देख सकते हैं ये उधर दरवाजे खुले हुए हैं बैराज के और पानी आ रहा है और इतना प्यारा सनसेट, इस सनसेट के साथ ये व्यू मैं आपको बयान नहीं कर सकता, वीडियो में आप देख सकते हैं जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, इतना प्यारा व्यू है और इतना पुरसकून माहौल है। और ये गाजियाबाद बैराज आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा बहुत, और अभी हम नीचे जा रहे हैं इधर थोड़ी देर, वैसे इधर तक ही जाएंगे, ज़्यादा नीचे तो नहीं जाएंगे, बस इधर खड़े होते हैं देखते हैं सीन क्या है। ये क्या है, कुआं, कुछ कुआं पड़ा है और कोई चीज़ नहीं है, खुश्क है ठीक है, वैसे सीढ़ी वगैरह लगी हुई है, और ये सीन है पानी के बहाव का, साहब इधर बच्चे बन गए हैं बच्चों की तरह इसमें बैठ गए हैं सारे तो लटक चुके हैं जोर लगा हो गया, अब टूट गया, अब बता
चले वापस वापस करे वापस करो एक सिटाकी वजन है यार जबर उठाओ सर जी चेक करें छलावे मार रहा इधर कोई अल्लाह ना करे गलती से अगर गिर जाए तो बचने के तो जीरो परसेंट हल्का सा देखे ना बिल्कुल बिल्कुल मामूली सा और ये देखें सीरियसली ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਤੂ ਮੈਂ ਸਿਸ਼ਾ ਸੋਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੰਗੋ ਪਾਸੇ ਚਾਰੇ ਤਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਰਨ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਰਾਈਮ ਤੇ ਕਰਾਈਮ ਨੂੰ और जैसा कि आप देख सकते हैं मछुआरे हैं या मछलियाँ पकड़ रहे हैं क्योंकि इन मछलियों की वजह से ही इनका घर चलता है ये इनकी रोज़ी रोटी है और मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा इस खूबसूरत सनसेट के साथ उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक और कमेंट मस्ट कर देना सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें अल्लाह हाफिज़।